जाएंगे। साथ ही पूर्व की तरह देहातों व शहरों आदि को भी सभी जरूरी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। इस प्रकार से ऐसे अनेकों और भी ऐतिहासिक कार्य मेरे चार पुरुषों के दौरान किए गए हैं, जो सरकार बनने पर आगे भी किए जाएंगे। साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि पूर्व की तरह इस बार भी सरकार बनने पर यहाँ दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के सम्मान में भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा आपके गोरखपुर मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व नीति सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लक्षण नहीं होने दिया जाएगा। सरकार यहाँ कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में पूरा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत यहाँ जाति व दलदल राजनीति से ऊपर उठकर गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य अपराधी एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा, जहाँ मेरी सरकार ने इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उनके ऊपर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म किए जाएंगे। इसके साथ साथ और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मांगों को निपटाने के लिए एक आयोग का भी गठन किया जाएगा और उनकी कई मांगों को ध्यान दिया जाएगा, जिनके कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को भी लागू करने का मामला शामिल है। इनके अलावा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर अन्य और भी जरूरी कार्य किए जाएंगे, लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में या बीएसपी को हर हालत में सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक या सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती है, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया ने जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए थे, तो जब रिजल्ट आया तो वो गलत साबित हुए। बीएसपी को तीसरे नंबर पे दिखा रहे थे, बीएसपी पहले नंबर पर आई और जिनको पहले नंबर पे दिखा रहे थे वो तीसरे नंबर पर आए। तो इसलिए आप लोगों को इस बार भी उनके ये ओपिनियन पोल व सर्वे आपको गलत साबित करके दिखाना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र
आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक या किसी भी विरोधी पार्टी के सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदल कर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नियत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से बीएसपी की सर्व जनहिताय व सर्व जन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही वे समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी बहनें भी माताएं बहनें भी पीछे नहीं रहेंगी, वो भी पुरुषों से आगे निकलकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएंगी। और इतना ही नहीं, मैं कमजोर वर्गों के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को वोट देने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से मिला है। आप लोगों को अपना एक वोट भी ऐसा नहीं करने का कि एक वोट आप ना डाल सके, एक एक वोट आपको डालना है, तो जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने काफी संघर्ष किया है। खास तौर से भी कर वैसे तो सभी लोगों को अपना वोट डालना है, सर्व समाज के लोगों को अपना वोट डालने के लिए जरूर पहुंचना है, लेकिन वीकर सेक्शन के लोगों को इस मामले में विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि हमारी पार्टी ने यहाँ के गोरखपुर मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आप लोगों के बीच में स्टेज पर मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। और आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा हाथी है तो वो योगी जी की नींद उड़ाए हुए है, तो उनको हर अपनी चुनावी जनसभा में तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हाथी का जिक्र करना पड़ता है। और फिर से आप लोगों को यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है, तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय अपराध भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है, और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है, क्या कहना है,
कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। और यहाँ अपने गोरखपुर मंडल से बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का भी जरूर सफाया करना है, उनका जरूर सफाया करना है। इसके साथ ही योगी जी को भी यहाँ मठ में इनके अपने परिवार में वापस भेजने का भी काम आप लोगों को जरूर करना है। जिन्होंने यहाँ की जनता को वायदे तो काफी बड़े बड़े किए हैं, लेकिन उन वायदों पर अमल ना के बराबर ही किया है। इतना ही नहीं बल्कि अपनी जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत चलकर इन्होंने यहाँ खासकर दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की हर स्तर पर काफी ज्यादा उपेक्षा की है, तथा मुसलमानों के विकास व उत्थान की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, बल्कि द्वेष की भावना के तहत इनको अधिकांश फर्जी मामलों में फंसा के इन्हें उजाड़ने एवं तबाह बर्बाद आदि करने का ही पूरा पूरा प्रयास किया है। और आप लोगों को मालूम है जब बीजेपी की चुनावी जनसभाएं होती हैं, उनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो क्या बोलते हैं, हमने कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए हमने इतने मुसलमानों के खिलाफ हमने कार्रवाई की, लेकिन कभी उनको जो गैर मुस्लिम माफिया हैं वो उनको नजर नहीं आते। नेपाल के बॉर्डर पर देवी पाठन में भरे पड़े हैं माफिया, क्या उनको नजर नहीं आते, उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन उनको कौन नजर आते हैं, केवल मुस्लिम समाज के लोग, वीकर सेक्शन के लोग, ये इनको नजर आते हैं, ये इनको अपराधी नजर आते हैं। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए यदि अपराध किसी एक व्यक्ति ने किया है उसकी सजा पूरे समाज को नहीं देंगे, यदि एक व्यक्ति खराब है आप पूरे मुस्लिम समाज को शक की नजर से देखेंगे, ये ठीक नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि जब चार बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो समाज का कोई भी वर्ग का आदमी हो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, या अन्य किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, धर्म का हो, तो हमारी सरकार ने सबको न्याय दिया है। किसी के साथ पक्षपात वाला वातावरण, हमने भेदभाव वाला वातावरण पैदा नहीं किया, उनका हमने सबका, सभी जाति सभी धर्म के लोगों का हमने एक समान ध्यान रखा है सभी मामलों में। ये और इतना ही नहीं, यही खराब स्थिति इस बार हमें अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज की भी देखने के लिए मिल रही है। इसलिए ऐसी बीजेपी की सरकार को व इनके मुख्यमंत्री योगी जी को भी आप लोग इस बार चुनाव में इन सबकी सजा इनको सत्ता से बाहर करके जरूर देंगे। इनको सत्ता से बाहर करके आप लोग जरूर देंगे। और जहां अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार जरूर बनाएंगे। वैसे आज आप लोगों की भीड़ व भीड़ के जोश को भी देखकर मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी पांचवी बार सरकार जरूर बनाएंगे। आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी पांचवी बार सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को पांचवी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। और योगी जी को जहां उनकी सही जगह है वहां आप लोग जरूर भेजेंगे, ये भी मैं आप लोगों से दरखास्त करती हूं। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के गोरखपुर मंडल के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।